गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। यूपी में होगी नौकरी की गारंटी, हर घर में कम से कम एक युवा हो नौकरीशुदा। नए आयोग के गठन पर हो रहा है विचार, अस्थाई रोजगार आयोग के गठन का विचार कर रही है सरकार। उप मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, मुख्य सचिव के कद का होगा रोजगार आयोग का पद। आयोग के अधीन होंगे रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार आदि विभाग। शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई बहुचर्चित शिक्षिका हत्याकांड का एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा लूट में अपने को घिरता देख बदमाशों ने मारी थी स्कूटी सवार मां बेटी को गोली। घटना में शामिल चार अभियुक्त गिरफ्तार, बरामद हुए लूट की चैन और अवैध असलहा, भेजे गए जेल, लगेगा रासुका। अब जूते भी होंगे इको फ्रेंडली, खास तरह के खादी के कपड़ों का है जूते का ऊपरी हिस्सा, सोल नेचुरल रबर का, एड़ा जूट का और सिलाई सूती धागे की, किनारों की बाइंडिंग में बिना क्रोम वाले चमड़े का प्रयोग। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 के रोकथाम संबंधित बैठक, बुजुर्ग मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश, कहा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाकर किया जाए कोरोना संक्रमितों की पहचान, किया जाए उचित उपचार। नई शिक्षा नीति को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों के साथ की बैठक, नई शिक्षा नीति के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। हाईटेक हुए चोर, लग्जरी गाड़ियों से कर रहे हैं चोरी, सीसीटीवी कैमरे में हुई लग्जरी कार कैद। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र तारामंडल स्थित वसुंधरा इनक्लेव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपने फ्लैट में घुसकर ताला तोड़कर चोरी करने के प्रयास के संबंध में स्थानीय थाने में दी तहरीर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। बदलते मौसम के बाद अब जिला अस्पताल में मरीजों की बड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने कहा महिलाओं के लिए महिला गार्ड की जाएगी तैनाती, सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जाएगा अनुपालन। गोरखपुर में शनिवार को मिले 153 नए कोरोना संक्रमित मरीज, दो की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,164, एक्टिव मरीज हुए 1,863। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। निजीकरण के विरोध में केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के लिए जारी किए गए बिडिंग ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर बिजली विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने जताया विरोध, सब ने एक स्वर में सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के दिए निर्देश। और महानगर में दो परीक्षा केंद्र पर सकुशल संपन्न हुई यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट और अंक सुधार परीक्षा, सूचिता का रखा गया विशेष ध्यान।